So hello everyone, good afternoon to all of you. As you know, I'm your mentor of general science and general studies. Okay, so today we are going to do some of the important questions which are relevant for your exam for AIATC. Okay, this material is totally your mixed pack. It is the combination of current affair plus your general studies. Okay, so we are going to start the quiz. So first question: which institution has recently tested the CE-20 cryogenic engine? DRDO, ISRO, BEL or HAL? I'm just giving you 2 minutes. Tell me the answer first. Which institution has recently tested the CE-20 cryogenic engine? The correct answer is ISRO. Okay. Next question. What is the name of the first Indian missile? आपकी जो first Indian missile है उसका नाम क्या है? अग्नि, सागरिका, पृथ्वी और धनुष. So what is the name of the first Indian missile? Tell me the answer. The correct answer is Prithvi. Okay. Next question. Which app has been India's most accessible app for the person with disability in a recent report? कौन सी आपके application है जो सबसे ज्यादा accessible करते हैं जो person with disability है? ठीक है, Zomato, WhatsApp, Paytm और भीम. कौन करता है? Yes, the correct answer is WhatsApp. Next question. Who has won Nobel Peace Prize 2023? किसे आपका Nobel Peace Prize 2023 मिला है? Kathleen Narico, Claudia Golden, Nargis Mohammadi और नन. किसे मिला है आपका Nobel Peace Prize? No, the correct answer is Nargis Mohammadi. Okay. So, नेक्स्ट, हु वॉन द नोबल प्राइज 2023 इन लिटरेचर? जो लिटरेचर में आपका नोबल प्राइज मिला है 2023, वो किसे मिला है? जॉन फोसे, रस्किन बॉन्ड, नरगिस मोहम्मदी और नन. टेल मी द करेक्ट आंसर. सो इट इज योर जॉन फोसे. ओके, नेक्स्ट, शिकमरी डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? जो शिकमरी डांस है वो कौन सी स्टेट का आपका फोक डांस है? सिक्किम, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश. किसका है शिकमरी डांस? इट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर. ओके, करंट अफेयर में आपका शिकमरी डांस आया था, दैट्स व्हाई आपका ये क्वेश्चन में आपको दिया है. यस, द करेक्ट आंसर इज सिक्किम. ओके, द अदर फोक डांसेस आर मरूनी, चुटकी, योर कुकुरी, योर सिकमरी एंड चूपर डांस. नेक्स्ट, छाऊ एंड विदेशिया डांस आर रिलेटेड टू विच स्टेट? जो छाऊ और विदेशिया डांस है वो कौन से स्टेट से रिलेट है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या झारखंड? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टेल मी द करेक्ट आंसर. The correct answer is झारखंड. ओके, तो बेसिकली बिहार, झारखंड ये दोनों जो है, इन दोनों में आपका कौन सा छाऊ और विदेशिया डांस ये परफॉर्म होता है. ठीक है, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिगड़ी और फुगड़ी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये जो डांस फॉर्म है कौन से स्टेट से रिलेट है? आपका गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात. टेल मी द आंसर फास्ट. फुगड़ी डांस कौन से स्टेट से रिलेट है? इट इज रिलेटेड टू गोवा. ओके, और जो अदर डांस फॉर्म है गोवा के,
These are Koli dance, Tarang Mel dance, horse dance and Fugdi dance. Next question. Matki is a popular folk dance of which of the following state? जो मटकी आपका फोक डांस है ये कौन सी आपकी स्टेट का फोक डांस है? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश. टेल मी द आंसर फर्स्ट. किसका ये? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. झूमर एंड मुंडा डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? जो झूमर और मुंडा डांस है वो आपके कौन से स्टेट से रिलेट करता है? बिहार, झारखंड, गुजरात और कर्नाटका. यस, द करेक्ट आंसर इज झारखंड. ओके, तो सो अदर जो मेजर फोक डांसेस है झारखंड के वो है मुंडा, अग्नि, जनानी, आपका मर्दाना, पैका एंड फगाऊ. नेक्स्ट, होजागिरी डांस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियांग कम्युनिटी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? नागालैंड, त्रिपुरा, योर मेघालय और मणिपुर. जो आपकी होजागिरी डांस है जो रियांग कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो कौन से स्टेट में है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर. Yes, the correct answer is Tripura. Okay. Next, where is the 18th East Asia Summit held? आपका 18th East Asia Summit कहाँ पे हुआ था? New Delhi, Jakarta, Berlin और Bangkok. Yes, Nivedita, B is correct. Jharkhand, Jakarta. Okay, over there, the Jakarta is in Indonesia. So, 18th East Asia Summit was held. Next, 14th edition of Global Skill Summit held in which city? कौन सी सिटी में आपका Global Skill Summit हुआ था? कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली, पुणे, चेन्नई, गांधीनगर. यस, द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री होस्टेड 43rd एशियन समिट 2023? ओवर हियर देयर इज एन एक्स्ट्रा जीरो. इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और लाओस. कहां पे हुआ है 43rd एशियन समिट? यस, सी, इंडोनेशिया. ओके, ओवर द जकार्ता. नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड श्रेष्ठा स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. मैटी, द करेक्ट आंसर इज, यस निवेदिता, ए. द करेक्ट आंसर इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ओके, so Shrishta scheme for residential education for students in high school in targeted areas. Okay, clear. Next, recently which state or UT achieved 100% ODF plus model status? What is ODF plus model? ODF plus model in which the solid waste, okay, there will be the no littering of the solid waste. Okay, it is regarding to the ODF. So, which state just achieved 100% ODF plus model status? Tell me the answer. Yes, the correct answer is Jammu and Kashmir. Next question. Who has launched project Udbhav to promote Indianization? So, kisne launch kiya hai Udbhav project? For Indianization, Amit Shah, PM Modi, Rajnath Singh or S. Jaishankar. It is related to your Indian Army. Yes, the correct answer is C, our Defense Minister Rajnath Singh. Okay, this is the initiative of Indian Army and United Service Institution of India.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट, जो अलकनंदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? संतोपत ग्लेशियर, सतपलीरा हिल्स, नीलगिरी हिल्स और यमुनोत्री हिल्स, कहाँ से है आपकी अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है? नो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संतोपत ग्लेशियर, ओके, जो आपकी चमोली में पड़ती है. विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन. सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है आपकी रिवर गंगा की? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, यमुना, ओके. नेक्स्ट, विच इज द रिवर दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, कौन सी रिवर है जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है? माही रिवर, यमुना, ताप्ती और गंगा, कौन सी रिवर कट करती है? नो, द करेक्ट आंसर इज माही रिवर, ओके. नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन इंडिया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो आपका प्रोवाइड करता है सेटिंग अप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन इंडिया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू होता है ये? ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट, 42, 49 और 52? द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट, ओके. नेक्स्ट, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आपका जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था? 101, 102, 103, 104? यस, द करेक्ट आंसर इज 101, ओके. सो इट कम इन टू द फोर्स ऑन 1st जुलाई 2017. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर द राइट टू एजुकेशन, 88, 87, 89 और 86? कौन से अमेंडमेंट से आपका राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है? यस, टेल मी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज 86th अमेंडमेंट, ओके. 86th amendment of Constitution of India in 2002 provided the right to education as a fundamental right, which is the part 3 of the Constitution. So, Article 21A is related to it. Next, who has the authority to amend the Indian Constitution? Kiske paas aapki authority hoti hai Indian Constitution ko amend karne ki? President of India, Prime Minister of India, Parliament of India or the Supreme Court of India? Kiske paas authority hoti hai? The correct answer is C, Parliament of India. Okay, your next question. The 10th schedule of Indian Constitution, popularly known as the Anti-Defection Law, was added by which amendment? As we know, ठीक है, जो हमारा 10th schedule है वो किससे regarding है? Anti-Defection Law से regarding है. तो कौन से amendment से ये आपका add हुआ है? 52, 73, 61 और 91? The correct answer is 52nd amendment. Next question. The basic structure doctrine which limit the amendment power of the Indian Parliament was established in which case? Keshavananda Bharati versus State of Kerala, Indira Gandhi versus your Raj Narayan, Minerva Hill versus Union of India or Golaknath versus State of Punjab? Yes, the correct answer is Keshavananda Bharati versus State of Kerala. Okay. Next question. Which amendment established the National Judicial Appointment Commission for the appointment of judges? जो आपकी amendment established हुई थी for the National Justice Judicial Appointment Commission की, ठीक है, for the appointment of judges, वो किस amendment के through हुई थी? 99, 100, 101 और 102 amendment?
It is just because of The correct answer is 99th amendment. Okay. Next. Exercise Bright Star 23 has been conducted in which country? Sudan, Egypt, India, USA. जो ब्राइट स्टार 23 है एक्सरसाइज वो आपकी कौन सी कंट्री में कंडक्ट करी गई है? Yes, tell me the answer. The correct answer is Egypt. Okay. So, Bright Star 23 multinational tri-services military exercise that is participated from India INS Sumedha. Okay. Next. Exercise Yudh Abhyas 2023 has been conducted by India and which other country? France, USA, UK or Indonesia? Yudh Abhyas 2023 jo exercise hai, wo India aur kaun si other country ke beech mein hui hai? Tell me the answer. The correct answer is USA. Okay. Next exercise, Steadfast Defender has been conducted by NATO, Russia, G21 or Quad. किसने conduct करी है exercise Steadfast Defender? Tell me the answer. Yes, the correct answer is A, NATO. Okay. Next, which country is in the first place in production of iron ore? कौन सी कंट्री आपकी फर्स्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ब्राजील? नो, द करेक्ट आंसर इज बी ऑस्ट्रेलिया. ओके, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया है, देन ब्राजील, देन चाइना, देन इंडिया. आफ्टर दैट इंडिया में जो आपकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है दैट इज उड़ीसा. नेक्स्ट, विच स्टेट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डायमंड प्रेजेंट है? कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश? The correct answer is मध्य प्रदेश. ओके, सो मध्य प्रदेश के अलावा आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी है जहां पे डायमंड प्रोडक्शन होता है. ओके, बट द 90% इज इन मध्य प्रदेश ओनली एंड द वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर इज रशिया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? इंडिया, चाइना, यूएसए और ब्राजील? विच वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? Which one is the largest producer? The correct answer is China. Okay. So in India, Uttar Pradesh is the largest producer. In world, China is the largest. After that, India. And after that, Russia. Clear? Next. India's first online gaming academy opened in which state? Bihar, Madhya Pradesh, Gujarat or Tamil Nadu? कौन सी आपकी फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ओपन हुई है, कौन से स्टेट में ओपन हुई है? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात?
द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस? केरला, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, इनमें से कौन सी आपकी स्टेट है जिसने फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस आपका लॉन्च किया है? टेल मी द आंसर. द करेक्ट आंसर इज गोवा. ओके, गोवा ने इंडिया का फर्स्ट विलेज एटलस बनाया, ठीक है. और जो आपका गोवा के सीएम है, उन्होंने इसे अनवील किया था, प्रमोद सावंत. नेक्स्ट, विच बैंक लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? इंडिया का जो फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है वो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी और एयरटेल पेमेंट बैंक. Yes, the correct answer is C, Airtel Payment Bank. Okay, this is made from the recycled polyvinyl chloride, PVC material. Okay, which of the following is a feature to both the Indian Federation and the American Federation? Dual judiciary, a single citizenship, three list in the constitution, or a federal supreme court to interpret the constitution? कौन सा इनमें से आपके इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन का कॉमन फीचर है? यस, द करेक्ट आंसर इज डी, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो अमेरिका इज अ स्ट्रिक्टली फेडरल स्टेट विद एन इंडिपेंडेंट फेडरल कोर्ट, एंड इंडियन हैज इंटीग्रेटेड द जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप. ओके, दैट्स व्हाई दे विल हैव द सेम कॉमन फीचर. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट नॉट कमिटी, जस्ट लुक एट हियर, सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, गोपीनाथ बरदोली. Which one is the correct answer? Tell me. The correct answer is A, J.B. Kriplani. Okay? Okay, next. Consent of the people means consent of all people, a few people, majority of the people, or leader of the people? किसका कंसेंट होना चाहिए? कंसेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, मेजोरिटी ऑफ द पीपल. ओके, नेक्स्ट, विच सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी? कौन सी सिटी आपकी इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी है? जयपुर, सांची, पटना, चेन्नई, कौन सी है? बताओ. यस, द करेक्ट आंसर इज सांची. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री विल बी एस्टेब्लिश इन विच स्टेट? जो गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री है आपकी, सबसे पहले कौन सी स्टेट में एस्टेब्लिश हुई है? गुजरात, मेघालय, तेलंगाना और कर्नाटक, कौन सी स्टेट में एस्टेब्लिश हुई है? द करेक्ट आंसर इज सी, तेलंगाना. ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री अनवील वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल? कौन सी कंट्री ने अनवील किया है आपका वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल? इंडिया, जापान, यूके और यूएसए? टेल मी द आंसर. नॉट बी. The correct answer is option A, India. Okay, next question. Initially, how many members were the part of the Constitutional Assembly? 275, 325, 389 or 292?
How many members were the part of the Constitutional Assembly? Yes, the correct answer is C, 389. Okay. So, how many languages are contained in the 8th schedule of the Indian Constitution? 12, 16, 18, 22. Kitne aapke contain karta hai 8th schedule of Indian Constitution languages? How many official languages that we have? Yes, the correct answer is the 22. Okay. Which house is called upper house of the parliament? किसको अपर हाउस बोला जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, आपकी विधानसभा और बोथ ए एंड बी, लोकसभा और राज्यसभा. यस, द करेक्ट आंसर इज बी, राज्यसभा. लोकसभा इज योर लोअर हाउस. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड द राइट टू एजुकेशन? 88, 37, 39 और 86. कौन से अमेंडमेंट आपकी राइट टू एजुकेशन से रिलेट करती है? द करेक्ट आंसर इज द 86th अमेंडमेंट. ओके, नेक्स्ट. हु हैज अथॉरिटी टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. Okay, the 11th schedule of the Indian Constitution, popularly known as, जो 11th schedule है वो आपका किस नाम से जाना जाता है? No. There will be option E. Okay. How can we say that option E? Wait a second. So, to remember tiers of old PM. This is the formula to learn the schedule. Okay. T for Union and Territory. Okay. And so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So as you know, for anti-defection, we will have 10th. Okay. For fundamental rights, we will have the 5th one. For oath and affirmation, 3rd one. Okay, for union and territories, 1st one. Okay, so over here, the option A, none of these. Okay, because 11th deal with the panchayats and 12th deal with the municipalities. Okay. Next. Okay. This is again repeated. Which amendment established the National Judicial Appointment Commission for the appointment of judges? 99th, it is again repeated. Which can initiate the process of amending the Indian Constitution? Only the President of India? Only the Prime Minister of India? Only Member of Parliament or any Member of the Parliament? No, this is different question. It is not repeated. Yes, any member of the parliament. Okay, so democracy was first practiced in India, Greece, UK or USA. Jo democracy hai, sabse pehle kahan practice hui thi? India mein, Greece mein, UK mein aur USA mein. The correct answer is option B, Greece. Okay, Athens basically. The city-state of Athens during classical antiquity. So, the term democracy was firstly appeared. Okay.
Your next question. Who authored the book Silent Spring? Frank Thorn, Rachel Carson, Raymond L. Brandt, or more than one? किसने आपकी साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी है? Yes, the correct answer is C, Rachel Carson. Okay. Next, President Draupadi Murmu has appointed Dr. Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud as the आपके CGI है, ठीक है? Chief Justice, कौन सा नंबर है? 50th, 51st, 48th और 49th? कौन से नंबर के आपके CGI है वो? Yes, the correct answer is 50th. Okay. Next, which is the longest river in India? Yamuna, Ganga, Satluj or Chenab? कौन से सबसे longest river है इंडिया की? Yes, the correct answer is B, Ganga. Okay. Next question. From where does the Alaknanda river originate? Santopath. Which is the longest tributary of the river Brahmaputra? Brahmaputra ki kaun si aapki longest tributary hai? Chenab, Yamuna, Son or Subansiri? Yes, Abhay. The correct answer is D, Subansiri river. Next. On which river is Mujauli Island situated? Ganga River, Yamuna River, Brahmaputra River or Lohit River? कौन सी river पे आपका Mujauli Island situate है? और ये आपका first ऐसा है जो किसी river के ऊपर island present है. Okay? The correct answer is option C, Brahmaputra River. Okay, Mujauli Island is located on Brahmaputra River. It is the largest river island in the world. And it is located in the state of Assam. So, in which state is the Jawahar Sagar Dam located? Rajasthan, Himachal Pradesh, Gujarat or Maharashtra? Kahan pe aapka Jawahar Sagar Dam present hai? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र. नो, नॉट बी. टेल मी द करेक्ट आंसर. यस, द करेक्ट आंसर इज ए, राजस्थान. ओके. सो ऑन विच रिवर इज मट्टाटीला डैम सिचुएटेड? रिहंद रिवर, महानदी, बेटवा रिवर और गंगा रिवर? कहां पे आपका, कौन से रिवर के ऊपर आपका मट्टाटीला डैम सिचुएट है? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, बेटवा रिवर. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट लोकसभा सीट? कौन सी आपकी स्टेट है जिसकी हाईएस्ट लोकसभा सीट्स है? वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश? किसकी है? Yes, the correct answer is B, Uttar Pradesh. Okay. In which year an act was passed to recognize Sinhala as the official language in Sri Lanka? जो Sri Lanka की जो official language है वो Sinhala आपकी है, ठीक है? किस act के accordingly? 1962, 1956, 1948 और 1965? Tell me the correct answer. The correct answer is 1956. Okay. So, Kautilya's theory of Rajmandal belongs to, जो Kautilya की theory है, who's Kautilya? चाणक्य को हम Kautilya बोलते हैं. और आपका, इन्होंने जो आपकी books लिखी है, ठीक है, उसमें से जो Rajmandal है वो किस चीज को belong करता है? Social structure, the economy
your foreign policy and interstate relation or structure of dharam? The correct answer is C, foreign policy and interstate relation. Okay. Next question. Who is known as the father of political science? Max Weber, Aristotle, Herodotus or George Shaw? Kaun aapka father of political science hai? Tell me the answer. The correct answer is Aristotle. Okay. Next question. Who has the power to implement fundamental right? Kiske paas aapki power hoti hai to implement fundamental right? Supreme Court and High Court, All Court of India, Parliament or President of India? Kiske paas power hoti hai agar aapke fundamental right harm ho to? No, not President. The correct answer is a Supreme Court and High Court. Okay. Next question. Who among the following described democracy as the tyranny of the majority? Rousseau, D. Tocqueville, your John Dunning, or more than one of the above? Kya answer hai iska? Jinhone describe kiya hai democracy ki uske kya hai? Majority aapke three pillars hai. So the correct answer is option B. Okay, D. Tocqueville. So Alex, D. Tocqueville is the best known for his insightful commentary on American democracy. Next, where was the Azad Hind Fauj founded? Singapore, Thailand, Britain or Italy? Jo aapka Azad Hind Fauj hai, wo kahan pe found hui thi? Singapore, Thailand, Britain or Italy? Yes, the correct answer is a Singapore. Next question. The Pune Pact was signed between Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah, Lord Irwin, your Subhash Chandra Bose or B.R. Ambedkar? Kiske beech mein aapka Pune Pact jo hai sign hua tha? Mahatma Gandhi aur Pune Pact. The correct answer is D, B.R. Ambedkar. Okay. So Mahatma Gandhi formed the Natal Indian Congress in the year. Kaun si year mein aapki Mahatma Gandhi Natal Indian Congress banayi thi? 1874, 1854, 1863 or 1894? The correct answer is 1894. Okay. Next, the Aligarh movement was started by Muhammad Ali Jinnah, Maulana Manzoor Ehsan, Dr. Maghfoor Ahmad Azazi or your Shayad Ahmad Khan. Kisne Aligarh movement start kari thi? The correct answer is D, Shayad Ahmad Khan. Okay. Next question. In 1852, who published the newspaper Satya Prakash in Gujarati? Gangadhar Rao, Vishnu Shastri, Gopal Hari Deshmukh or Karsandas Mulji? Kisne aapka newspaper publish kiya tha Gujarati mein? In 1852? The correct answer is D, Karsandas Mulji. Okay. Your next question. Which of the following movement is related to the Teen Kathiya system? Teen Kathiya system mean to say 3/20th part. Okay. Ye kaun si movement se relate hai? The Bhanga movement, K
खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और बरदोली सत्याग्रह किससे रिलेट है ये? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, चंपारण सत्याग्रह। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च वॉज इनिशिएटेड बाय राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, अवंतिका बाई गोखले और कस्तूरबा गांधी। डांडी मार्च, डांडी मार्च इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट रिलेटेड टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? योर आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट रिलेटेड टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कौन से रिलेट नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डी, सुभाष चंद्र बोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्टेज स्टैम्प वर रिलीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइन? किसके राइन में आपकी पोस्टेज जो स्टैम्प है वो रिलीज हुई थी फर्स्ट टाइम? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख खालसा अकेडमी वॉज फॉर्म्ड अंडर द रूल ऑफ, जो सिख खालसा अकेडमी किसके रूल में आपकी फॉर्म हुई है? शेरशाह, राणा प्रताप, हेमू विक्रमादित्य और रंजीत सिंह। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रंजीत सिंह। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट क्रेडिटेड टू लॉर्ड डलहौजी? कौन सा इनमें से लॉर्ड डलहौजी को क्रेडिट नहीं दिया जाता है? मर्जर ऑफ पंजाब, मर्जर ऑफ बंगाल, मर्जर ऑफ मैसूर और मर्जर ऑफ सतारा। कौन आपके डलहौजी से रिलेट नहीं करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मर्जर ऑफ बंगाल। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड द पोर्चुगीज एट सोले? ओके, जो सोले में आपकी लड़ाई हुई थी पोर्चुगीज को साथ, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर की, तो उसमें कौन था? विलियम हॉके, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो और आपका जोसिया चाइल्ड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, थॉमस बेस्ट। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने लेड? तो कब आपकी पहली जो रेलवे लाइन है वो बिछी थी बॉम्बे और थाने के बीच में? 1853, 1854, 1856 और 1858। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1856, सॉरी द 1853। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मैच द फॉलोइंग, सो हु वाज द गवर्नर एंड द ईयर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट? सो एज यू नो दैट द लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके, ही वाज हियर इन द ईयर 1786। ओके, सेकेंड थिंग, योर लॉर्ड डलहौजी, ही जस्ट रूल इन द ईयर योर 1848 एंड योर लॉर्ड मॉरिंगटन, ही वॉज हेयर इन द ईयर ऑफ 1798 एंड आफ्टर दैट योर विलियम बेंटिक ओवर देयर इन 1828। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, Who was appointed as the chairman of committee to work out the detail of Wardha scheme? तो कौन आपका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है?
किया गया था फॉर द डिटेल ऑफ द वर्धा स्कीम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एस राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद। Tell me the correct answer. Which committee is to work out the detail of Vardha scheme? The correct answer is option D, Zakir Hussain. Okay, next. Under whose administration did the archaeological survey of India start functioning? Warren Hastings, Curzon, Canning or Ripon? किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आपका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है इंडिया का वो फंक्शन हुआ था? आंसर में फास्ट, नॉट वॉरेन हेस्टिंग, द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन द न्यू ब्रिटिश राज? Act of 1658, Act of 1758, Act of 1858 or Act of 1947? Tell me the answer fast. Yes, the correct answer is C, Act of 1858. Okay, next. Which one of the following is the largest satellite in solar system? Ganymede, Titan, Europa or Triton? कौन है आपका largest satellite in solar system? Yes, the correct answer is A, Ganymede. Okay, next. Which one of the following planet is smaller in size than the Earth? Venus, Uranus, Saturn or Neptune? कौन आपका साइज में छोटा है अर्थ से? As we did this in the class. Yes, the correct answer is A, Venus. Okay, next. The Earth rotate around its axis from कौन सी axis में rotate करता है? North to south, south to north, east to west और west to east? Yes, the correct answer is D, west to east. Okay, next. Which one of the following planet rotate clockwise? Clockwise कौन rotate करता है? कौन सा planet rotate करता है? Earth, Mars, Venus और Mercury? Answer fast. क्लॉकवाइज जो रोटेट करता है अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? यस, द करेक्ट आंसर इज सी, विनस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किस प्लैनेट को बोलते हैं? अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न? किसे बोलते हैं आपका रेड प्लैनेट? Yes, the correct answer is B, Mars. Okay, next. Space between Earth and Moon is known as cislunar, polar lunar, nebula or none of these? क्या बोलते हैं जो स्पेस होता है अर्थ और मून के बीच में? Yes, the correct answer is A, cislunar. Okay. Which of the following does not belong to solar system? इनमें से कौन सा आपके solar system को belong नहीं करता है? Asteroid, comet, nebula, planets. कौन सा belong नहीं करता है? Yes, the correct answer is D. Nebula is not related to the solar system. Among of which of the following the planet take maximum time for one rotation, one revolution around the sun? किसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है? अर्थ, जुपिटर, मार्स, वीनस? किसको लगता है? Yes, the correct answer is Jupiter. Okay, next.
by how much degrees the earth is inclined on its axis. जो एक्सिस है आपकी, राइट, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे आपके एक्सिस है, तो कितने डिग्री पे इंक्लाइन है ये? ऑप्शन ए, गुड. नेक्स्ट, द ब्लैक पार्ट ऑफ द मून इज ऑलवेज काम एंड डार्क, विच इज कॉल्ड सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी, ओशियन ऑफ स्टॉर्म, एरिया ऑफ स्टॉर्म, और नन ऑफ दीज. क्या बोला जाता है इसे? जो आपका डार्क पार्ट है मून का, जो काम और डार्क रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी. ओके, नेक्स्ट, ऑन विच प्लैनेट वुड वन विटनेस सनराइज इन द वेस्ट? जुपिटर, वेनस, सैटर्न, मर्करी, कौन से प्लैनेट पे जो आपका सनराइज है वो आपका विटनेस करता है वेस्ट की साइड पे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेनस. ओके, नेक्स्ट, द सन इज वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और होता है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मार्च 21, जून 21, सितंबर 21 और दिसंबर 22. कब होता है? दैट इज ऑन 21st जून. ओके, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज, मून और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है? 384,000 किलोमीटर, 267,000 किलोमीटर, 540,000 किलोमीटर और 576,000 किलोमीटर. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 384,000 किलोमीटर्स. नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू प्लेसेस इज अलोंग द, जो शॉर्टेस्ट रूट है आपके दो प्लेसेस के बीच में वो कहाँ पे है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रिवर्स और डायरेक्शन ऑफ विंड, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जो शॉर्टेस्ट रूट है आपके दो प्लेसेस के बीच में, यू हर्ड अबाउट द ग्रेट सर्कल्स, राइट? सो दीज आर द लॉन्गिट्यूड बेसिकली. ओके, so the shortest distance between the two places on the earth surface is along the great plains. Okay, so next question, the tail of a comet is directly away from the sun because jo aapki comet ki tail hai wo hamesha sun se dur rehti hai. Kyun? The comet rotate around the sun and the lighter mass of the comet is pushed away due to centrifugal force along, or the comet rotate, the lighter mass of the comet is attracted by some star situated in the direction of its tail. The radiative emission by the sun exert a radial pressure on the comet, throwing its tail away from the sun. Or the last option, the tail of the comet always exists in the same orientation. So what will be the correct answer? Jo tail hai comet ki, wo aapke sun se away kyun jati hai? So the answer is option C. Over here the answer is wrong. Okay, it is mentioned over here is wrong because it is just because of the sun exert a radial pressure on the comet, throwing its tail away from the sun. Okay, next question, the twinkling of star is due to, jo aapke star twinkle karte ho kiski wajah se karte hain? The variation in the intensity of light emitted by it with time, the variation of composition of star with time, the transit of other celestial object across the line of sight, or the atmospheric refraction of the starlight. Which one is the correct option? Tell me the correct answer. No. As you know, why our star are twinkled? It is just because of the refraction of sunlight.
Okay, the atmospheric refraction of sunlight. Your last question. Consider the following statement. The earth receives the sun energy at the infrared end of the spectrum. The earth re-radiates the sun heat as ultraviolet energy. So which one of the option is correct? Only one? Only two? Both one and two? Neither one nor two? What will be the answer? This is the very easiest question. No, the correct answer is option D, neither one nor two. Because sun radiates vast quantity of energy into space across a wide spectrum of wavelength. Okay. So as you know, there will be the short wavelength and the long wavelength. So the narrow band of visible light between 400 to 700 nanometers represent 43% of the total radiant energy emitted, and wavelength shorter than the visible account, it consists of 7 to 8% of the total. Okay. So neither one nor two. Okay, students. So these are the 100 questions that you must have to know. Rather than that, you have to cover all of the syllabus, that the PDF that I have provided to you, in, and just revise all the notes. And all the best for your exam. And I hope that you like these questions. And just keep studying. Okay. Thank you. Bye-bye. Take care.